हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार और फिर स्वागत है हसीन उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के लिए एक पोस्ट डाली थी कमेंट बॉक्स में, जिसमें मैंने कहा था कि हम आपके लिए बेस्ट ट्रिक लाने वाले हैं कि बच्चों को कैसे फीड करें और कैसे भराएं। तो गाइस, ये जैसे कि आप लोग दाना देख रहे होंगे, ये कोई बच्चा बीमार हो जाना, उसका माँ बाबा उसके बीमार हो गया, ठंड पड़ रही है और वो बच्चे किस तरह पले, समझ गए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो गाइस, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये दाना क्या है। तो ये कुछ तो सेरेलैक्स है, सेरेलैक्स, और ये कुछ मुर्गी बच्चों का दाना है, आपस में मिक्स है, और दूध और पानी इसमें थोड़ा सा मिला के थोड़ा रख देते हैं ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और ये पाँच दस मिनट में बिल्कुल घुल जाता है। पाँच मिनट भी नहीं लगती। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कितनी तेज़ी से मुर्गी बच्चों, ये देखिए इसका बच्चा है और बीमार हो गया था, इसके माँ बाबा भी बारिश पड़ने में, और इसके, और ये देखिए हल्की सी, और बस ये देखिए, ये भर गया, और ये देखिए माशाल्लाह से पूरा पोटा भर चुका इसका, और ये आधी हो गई, देखिए फुल भरी थी हमने, ये आधी हो गई। बहुत से लोग ऐसे भी ट्रायल करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि दाना जैसे चने गीले करके रखते हैं, तो गाइस इसमें बहुत टाइम लगता है, और हाथ ये देखिए कुछ नहीं है पोटे में, और अब देखना अब ये ट्यूटोरियल हुआ है, इनके माँ बाप इन्हें भरा नहीं रहा है, और ये देखिए माशाल्लाह से पोटा आगे को हो गया, ये पल जाएगा बिल्कुल। अब ये देखिए, ये तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत बड़े पल रहे हैं, ये हमारे उड़ैया कबूतरों के जोड़े के हैं, ये देखिए, और ये देखिए इसके पोटे में कुछ नहीं है, और ये देखिए भर गया, और जी ये भरी है, ये देखिए, और ये बहुत ही स्पीड से चलती है, आप कम से कम ये देखिए ये पोटा भर गया। आप इस तरीके से अपने बच्चों को भी भरा सकते हैं, और ये समझ लीजिए बस नोक की इतनी या इतनी गले में देनी है बच्चे के, और ये देखिए पूरी खाली हो चुकी है, ये देखिए पूरी खाली हो चुकी है, हल्की सी बची है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी भर रखी थी हमने, हमें ये समझ लीजिए अभी एक मिनट भी नहीं हुआ और हमने तीन बच्चों को फीड कर दिया इतनी तेज़ी से, और कम से कम 30 बच्चों को फीड करेंगे हम, और हमें आधा घंटा लगता है ये सब चीज़ों करने में, बीमार हो जाए, और ये जब बीमार हो जाए ये समझ लीजिए गाइस, कोई बीमार हो गया दाना नहीं चुग रहा, दाना नहीं चुग रहा जो बीमार हो गया, इसके लिए भी बहुत अच्छी है। और ये मुर्गी बच्चों के दाना, अगर कोई कबूतर बीमार हो गया हो आपका तो उसे भी दे सकते हैं, ये देखिए आप, और इतनी तेज़ी से बहुत स्पीड से बच्चा बढ़ता है, ये देखिए पट्टी बीमार हो गई, ये बारिश पड़ी थी अभी, ठंड लग गई, पट्टी बीमार हो गई हमारी, तो ये देखिए हम बुर्रू की पट्टी है ये हमारे, तो हम इसे भी फीड कर देंगे इसी से ही, ये देखिए मैं थोड़ा सा हाथ में पकड़ता हूँ इसे, ये देखिए फिर इसे अलग से हम दवाई देंगे, फिर अलग से हम इसे दवाई दे देंगे, ये लीजिए इसे दबाना रहता है ऐसे, और गई इसके पेट में, बस इसके पेट में गई, और ये समझ लीजिए सहारा हो गया किसे, अब इसे हम ऊपर से दवाई देगा, ऊपर से दवाई देंगे, और गाइस इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दवाई भी बताएंगे आपको, इतना अच्छा पाउडर बताएंगे कि जो ठंड में आप दे सकें अपने कबूतरों को, ताकि आपके कबूतर ठंड से बचे रहे। असल में क्या है, इक्का दिक्का तो आ जाता है, आपको पता ही होगा 800-900 कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी छत पर है, पूरी छत 4 मंजिल छत है, और चारों मंजिलों पे बच्चे पलते हैं, कबूतर ही पलते हैं। तो गाइस ये तो पहली जगह थी जहाँ पे 4-5 बच्चे तो हम पहले फीड कर चुके थे, और अब 2-3 करे थे, अब नीचे वाला का शौक कराएंगे हम आपको, और ये देखिए हम नीचे के लिए फिर से इसे फिल कर रहे हैं। और गाइस हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, जैसे ग्रुप्स होते हैं कबूतरों के, उसमें शेयर करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को, ताकि ये ट्रिक सब पर पहुंच जाए, सबको पता लग जाए। और गाइस हम दिखाना चाहेंगे कि हम ताकत के लिए अपने जो कैल्शियम बच्चे वाले कबूतर हैं उन्हें क्या क्या देते हैं, ये देखिए गाइस, ये अंडे को चिक्कल है, जो कि आपको नॉर्मल किसी जो अंडे सेल करते होंगे या वाइल्ड उबले वाले अंडे सेल करते होंगे, तो ये गाइस हम तोड़ मोड़ के अपने कबूतरों को देते हैं, और ये बड़े शौक से कबूतर खाते हैं, ये देखिए कैसे कबूतर हमारे निकल निकल कर आ रहे हैं, और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खाते हैं, ये देखिए हमारी सांप की नस्ल है कलसिरे कबूतर,
और कैल्शियम है इसमें, जैसे बहुत बढ़िया अच्छा कैल्शियम होता है जो मादीन लंगड़ी हो जाती है, मादीने लंगड़ी हो जाती है अंडे देने के बाद ये शिकायत देखी जाती है। तो ये बहुत सी मादीन अंडे नहीं देती और जो नर के अंडों में बच्चा भी नहीं पड़ता ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और गाइस हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स में और ये आपका प्यार देखा जाता है हमारे कितने आप नज़दीक हैं, क्योंकि गाइस हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करने में लाइक करने में किसी का पैसा नहीं लगता, लगता है तो सिर्फ आपका प्यार लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये बच्चे हमने अपने हाथ से भराए हुए हैं और इतने छोटे बच्चे भी हम अपने हाथ से भराते हैं। ये गाइस जो महीना होता है जनवरी का, फरवरी, दिसंबर, ये महीना ही बच्चे पालन का होता है। और ये देखिए कितनी अच्छी पूर्ति हो गई बच्चों की। और अभी ये समझ लीजिए हम जो बीच का चैनल है इससे ऊपर का जो चैनल है उसमें भी कम से कम 11-12 बच्चों को फीड करके आए हैं। ये देखिए आप हो गया फील और इन्हें हाथ से ही भर देंगे और इतनी जल्दी ये समझ लीजिए ये कम से कम 10-15 दिन में अपने हाथ से चुगने लग जाएंगे, 10 से 15 या 15 से 17-18 दिन में। और ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे ट्यूटोरियल ले गए, देना दाना इनके माँ बाप इन्हें बहुत कम दाना दे रहा है। और ये देखिए हम इन्हें पूर्ति पूरी कर देते हैं। और आप कोई सा भी बच्चा देख लीजिए यहाँ पे, ये 3-4 बच्चे खड़े हैं कोई ट्यूटोरियल नहीं है। ये देखिए बच्चा आप और गाइस आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, आपके लिए हम ऐसी ऐसी ट्रिक ले आएंगे और ऐसे ऐसे दवाइयाँ ले आएंगे गाइस कि आपका कबूतर बेहतरीन से बेहतरीन इनकी देखभाल कैसी रखनी है और बच्चों को क्या खिलाएं, कबूतरों को क्या खिलाएं, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग फीड मांगते हैं गाइस। और ये देखें अंडे फिर से हम खिला रहे हैं। और गाइस बहुत सी ऐसी चीज़ है ये समझ लीजिए गाइज, आपको ये अगर कोई पैसे में देने भी लग गया अंडे के छिक्कल तो 5-10 रुपए में इतनी बड़ी पन्नी दे देगा कि आपके कबूतर महीने तक एकदम डाल दो, हाथ तो समझ लो और एकदम डाल दो। और गाइज जो कि मैंने ये सेरेलेक्स और भी बच्चों का दाना बताया आप लोगों को, इसमें गाइज ये समझ लीजिए आप 200-300 रुपये खर्चा करोगे और ये समझ लीजिए दाना महीनों तक चलेगा, महीनों तक। हमारे तो कम से कम है 30-40 बच्चे जिन्हें हम फीड करते हैं हाथों से और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हमें। और वैसे तो इन्हें बंद करने में बच्चों को 1 मिनट भी नहीं लगने, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड लगे कम से कम एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा आपसे क्या वो करना। और इन्हीं बच्चों को अगर हम दाने से हाथ से चुगाते तो कितना टाइम लगता आप अंदाज़ा लगाइए कितना समय लगता है आप खुद ही देख सकते हैं ये चनों से। गाइस हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि अंडे कैसे भराए और बहुत सी ऐसी बातें होती है कि मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट होता है कि अंडे बच्चे देने के बाद मादीन जो होती है लंगड़ी हो जाती है और बहुत ही कम उम्र में जो है कबूतर के अंडे में बच्चा नहीं पड़ता। तो गाइस ऐसी ऐसी दवाइयाँ ला देंगे हम आपके लिए कि कबूतर भगाए फिरेगा मादीन के लिए और दोनों अंडे में बच्चे पड़ेंगे और मादीन कभी लंगड़ी नहीं होगी। और जो ये भी बताया ना मैंने अंडे के छिक्कल इनसे भी कबूतर की कैल्शियम अच्छी रहता है मादीने अंडे देने के बाद लंगड़ी नहीं होती। और फ्री का है, सस्ता का सस्ता और सस्ती से सस्ती ट्रिक लाएंगे और मजबूत अंडे होते हैं इनके छिक्कल। हाँ और अगर ये यही अंडे अगर देसी मुर्गी के मिल जाए तो सोने पे सुहागा ये समझ लीजिए आप। तो गाइस हमसे ऐसे ही बने रहे, हम आपके लिए बहुत तकली आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ गाइस आप भी हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। और गाइस ये समझ लीजिए जब से मैंने स्टार्टिंग करी थी तो अब 2 घंटे आने को हो गए अब इस टाइम, और नीचे वाले इससे नीचे और एक और जगह कबूतर है जहाँ हमें बच्चे भराने हैं, मगर गाइस मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और जैसे कि मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाई दिए हम ऐसे ही करते हैं बच्चों के साथ और ऐसे ही भरा देते हैं और सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहती है। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में और अच्छे कबूतर के साथ और अच्छे शौक के साथ, हमारे साथ बने रहे हम आपको ऐसे ही ख़तरनाक ट्रिक देंगे गाइस। और किसी भी टॉपिक पर चाहिए हो आपको तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता दे गाइज़।